सर्वेट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1905 में हमारे देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने स्थापना की थी ये क्या करती थी जितने भी क्रांतिकारी जेल में होते थे जितने भी क्रांतिकारी जेल में होते थे उनके घरों का खर्चा चलाने के लिए ये पैसे इकट्ठे करते थे और उनके घर पर पैसा भेजते थे ठीक है तो हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं भारत अब तक का सबसे ईमानदार इंसान प्रधानमंत्री क्रांतिकारी कौन थे लाल बहादुर शास्त्री थे एक बार लाद हर बार जेल तो जाते ही थे देश के आंदोलन में तो लाल बहादुर शास्त्री जेल में गए हुए थे तो उनके घर पर जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया पैसा भेजती थी वो पैसा भेजती थी तो वो पचास रुपये भेजती थी कितने रुपए पचास रुपये तो उन्होंने अपनी पत्नी को लेटर लिखा कि क्या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ जो पैसा दे रही है उससे हमारे घर का खर्चा निकल रहा है तो उसने जेल में पत्र लिखा कि हमारे घर का खर्चा बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है सिर्फ चालीस रुपये में और मैं दस रुपए बचा भी लेती हूं जब ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने चिट्ठी में पढ़ी तो उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि मेरे घर पर सिर्फ चालीस रुपये की जरूरत है आप दस रुपये एक्स्ट्रा मत भेजे तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री और आज के नेताओं को देख लो अगर दस रुपये दस करोड़ दस हजार करोड़ रुपए हो कुछ भी नहीं है अरे कम से कम ऐसे महान आत्माओं से ऐसे महान नेताओं से सीख तो ले लो कि ईमानदारी की कदर क्या होती है उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को वापस पत्र लिखा कि मुझे मेरे घर के लिए मेरी पत्नी को सिर्फ चालीस रुपए चाहिए हैं, मेरे बच्चों के लिए एक बार पेट्रोल पंप जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे उनके बेटे ने गाड़ी यूज कर ली थी सरकारी गाड़ी उन्होंने बोला कहाँ गया था किलोमीटर देखे और उस किलोमीटर का खर्चा देखा और उन्होंने वो पैसा सरकारी खजाने में डिपोजिट करवाया कि कितना पैसा इस गाड़ी के आने जाने में खर्च हुआ कितना तेल तो ऐसे नेताओं की जरूरत है हमारे देश को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो देश को सिर्फ और सिर्फ खाने पे तुले होते हैं अब कोरोना आया था जनता से डिमांड की कि पैसा दे दो क्यों भाई जब देश में तिरतालीसौल है पांच सौ पचास एमपी है ढाई सौ दूसरे एमपी है लोकसभा राज्यसभा अरबों खरबों करोड़पति है पैसा घुमा रहे हैं ये इनपे करोड़ ले लेते ले कितने हजार करोड़ बन जाते पांच हजार तीन सौ साठ करोड़ रुपए तो सरकारी कर्मचारियों को काटे एक दिन के हर बार जनता से ही तो नेता किसके लिए बनते मुझे ये समझ में नहीं आता कोई आपत्ति आ जाती देश डोनेट करो देश डोनेट करो ये किस लिए इनके बड़े बड़े महल बड़े बड़े घराने इनके खाते लाखों करोड़ों रुपए के किस लिए मुझे आज तक समझ में नहीं आया आपको समझ में आया तो बता दियो भाई कॉल करके हमारी नेताओं से कोई नहीं लेकिन लाल बहादुर शास्त्री आ जाओ तो अगले